बजट से जुड़े इस महत्वपूर्ण वेबिनार में हृदय से स्वागत करता हूं पिछले आठ नौ वर्षों की तरह इस बार भी बजट में कृषि को बहुत अधिक महत्व दिया गया है पिछले कुछ वर्षों से बजट के अगले दिन के अखबारों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि हर बजट को गांव गरीब और किसान का बजट कहा गया है 2014 में कृषि बजट 25,000 करोड़ रुपए से भी कम था हमारे आने से पहले 25,000 करोड़ आज देश का कृषि बजट बढ़कर एक लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो गया है साथियों आजादी के बाद लंबे समय तक हमारा कृषि क्षेत्र अभाव के दबाव में रहा हम अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए दुनिया पर निर्भर थे लेकिन हमारे किसानों ने हमें न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया बल्कि आज उनकी वजह से हम निर्यात करने में भी सक्षम हो गए हैं आज भारत कई तरह के कृषि उत्पादों को निर्यात कर रहा है हमने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक किसानों की पहुंच को आसान बनाया है लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि बात चाहे आत्मनिर्भरता की हो या निर्यात की हमारा लक्ष्य सिर्फ चावल गेहूं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए उदाहरण के लिए 21-22 में दलहन के आयात पर सत्रह हजार करोड़ रुपए खर्च करने पड़े वैल्यू एडेड फूड प्रोडक्ट्स के आयात पर पच्चीस हजार करोड़ रुपए खर्च हुए इसी तरह 2122 बाईस में खाद्य तेलों के आयात पर डेढ़ लाख करोड़ रुपया खर्च हुए सिर्फ इतनी ही चीजों के आयात पर करीब दो लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए मतलब इतना पैसा देश के बाहर चला गया ये पैसा हमारे किसानों के पास पहुंच सकता है अगर हम इन कृषि उत्पादों के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन जाएं पिछले कुछ वर्षों से लगातार बजट में इन सेक्टर्स को आगे बढ़ाने वाले फैसले किए जा रहे हैं हमने एमएसपी में बढ़ोतरी की दलहन उत्पादन को बढ़ावा दिया फूड प्रोसेसिंग करने वाले फूड पार्कों की संख्या बढ़ाई गई साथ ही खाद्य तेल के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर होने के लिए मिशन मोड में काम चल रहा है साथियों जब तक हम एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी चुनौतियों को दूर नहीं कर लेते संपूर्ण विकास का लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता आज भारत के कई सेक्टर्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं हमारे ऊर्जावान युवा बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा भी ले रहे हैं लेकिन एग्रीकल्चर में उनकी भागीदारी कम है जबकि वो भी इसके महत्व और इसमें आगे बढ़ने की संभावनाओं के बारे में जानते हैं प्राइवेट इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर से दूरी बनाए हुए हैं इस खाली जगह को भरने के लिए इस साल के बजट में कई तरह के ऐलान किए गए हैं उदाहरण के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में ओपन सोर्स बेस्ड प्लेटफॉर्म को बढ़ावा हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म की तरह सामने रखा है ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे यूपीआई का ओपन प्लेटफॉर्म जिसके जरिए आज डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है आज जैसे डिजिटल ट्रांजेक्शन में क्रांति हो रही है उसी तरह एग्रीटेक डोमेन में भी इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन की अपार संभावनाएं बन रही है इसमें संभावना है लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने की इसमें अवसर है बड़े बाजार तक पहुंच को आसान बनाने का इसमें मौका है टेक्नोलॉजी के जरिए ड्रीप इरिगेशन को बढ़ावा देने का साथ ही सही सलाह सही व्यक्ति तक समय से पहुंचाने की दिशा में हमारे युवा काम कर सकते हैं जिस तरह से मेडिकल सेक्टर में लैब काम करते हैं उसी तरह से निजी सॉइल टेस्टिंग लैब्स स्थापित किए जा सकते हैं हमारे युवा अपने इनोवेशन से सरकार और किसान के बीच सूचना के सेतु बन सकते हैं वो ये बता सकते हैं कि कौन सी फसल ज्यादा मुनाफा दे सकती है वो फसल के बारे में अनुमान लगाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं वो पॉलिसी मेकिंग में मदद कर सकते हैं युवा अपने इनोवेशन से किसी जगह पर मौसम में आ रहे बदलावों की रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी उपलब्ध करा सकते हैं यानी हमारे युवाओं के लिए इस सेक्टर में करने के लिए बहुत कुछ है इसमें सक्रिय भागीदारी करके वो किसानों की मदद करेंगे साथ ही उन्हें भी आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा साथियों इस बार के बजट में एक और महत्वपूर्ण घोषणा हुई है एग्री टैक्स स्टार्टअप्स के लिए एक्सेलरेटर फंड की व्यवस्था की गई है इसलिए हम सिर्फ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण ही नहीं कर रहे हैं बल्कि हम आपके लिए फंडिंग एवेन्यूज भी तैयार कर रहे हैं तो अब हमारे युवा एंटरप्रेनर्स की बारी है वो उत्साह से आगे बढ़े और लक्ष्य हासिल करके दिखाएं हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि नौ वर्ष पहले देश में एग्री स्टार्टअप न के बराबर थे लेकिन आज ये तीन हजार से भी ज्यादा है फिर भी हमें और तेज रफ्तार से आगे बढ़ना होगा साथियों आप सब जानते हैं कि भारत की पहल पर इस साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है मिलेट्स को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने का मतलब है कि हमारे छोटे किसानों के लिए ग्लोबल मार्केट तैयार हो मोटे अनाज को अब देश ने इस बजट में श्री अन्न की पहचान दी है आज जिस तरह श्री अन्न को प्रमोट किया जा रहा है उससे हमारे छोटे किसानों को बहुत फायदा होगा इस क्षेत्र में ऐसे स्टार्टअप के ग्रोथ की संभावना भी बड़ी है जो ग्लोबल मार्केट तक किसानों के पहुंच को आसान बनाए साथियों भारत के सहकारिता सेक्टर में एक नया रिवॉल्यूशन हो रहा है अभी तक ये देश के कुछ एक राज्यों और कुछ एक क्षेत्रों तक ही सीमित रहा है लेकिन अब इसका विस्तार पूरे देश में किया जा रहा है इस बार के बजट में कोऑपरेटिव सेक्टर को टैक्स संबंधी राहतें दी गई हैं जो काफी महत्वपूर्ण है और अब तो हमने कोऑपरेटिव मंत्रालय ही अलग बना दिया है अब आगे मैन्युफैक्चरिंग करने वाली नई सहकारी समितियों को कम टैक्स रेट का फायदा मिलेगा सहकारी समितियों द्वारा तीन करोड़ रुपए तक की नगद निकासी पर टीडीएस नहीं लगेगा कोऑपरेटिव सेक्टर के मन में हमेशा से भाव रहा है कि बाकी कंपनियों की तुलना में उनके साथ भेदभाव किया जाता है इस बजट में इस अन्याय को भी खत्म किया गया है एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत शुगर कोऑपरेटिव द्वारा 16 सत्रह के पहले किए गए पेमेंट पर टैक्स छूट दी गई है इससे शुगर कोऑपरेटिव को दस हजार करोड़ का फायदा होगा साथियों जिन क्षेत्रों में सहकारी संस्थाएं पहले से नहीं है वहाँ डेयरी और फिशरीज से जुड़ी सहकारी संस्थाओं से छोटे किसानों को बहुत लाभ होगा विशेषकर फिशरीज में हमारे किसानों के लिए कई बड़ी संभावनाएं मौजूद है पिछले आठ नौ वर्षों में देश में मत्स्य उत्पादन करीब सत्तर लाख मेट्रिक टन बढ़ा है 2014 के पहले इतना ही उत्पादन बढ़ाने के में करीब करीब 30 साल लग गए थे तीन दशक इस बजट में पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत 6000 करोड़ की लागत से एक नए सब कंपोनेंट की घोषणा की गई है इससे फिशरीज वैल्यू चेन के साथ साथ मार्केट को बढ़ावा मिलेगा इससे मछुआरों और छोटे उद्यमियों के लिए नए अवसर बनेंगे साथियों हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और केमिकल आधारित खेती को कम करने की दिशा में भी तेजी से काम कर रहे हैं पीएम प्रणाम योजना और गोवर्धन योजना से इस दिशा में बड़ी मदद मिलेगी मैं आशा करता हूं हम सब एक टीम के रूप में इन सभी विषयों को आगे बढ़ाएंगे मैं फिर एक बार आज के एक वेबिनार के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं मुझे विश्वास है कि आप सब स्टेक होल्डर्स के इस बजट का अधिकतम लाभ अधिकतम लोगों को जल्दी से जल्दी कैसे मिले बजट में किए गए प्रावधानों और आपकी शक्ति आपका संकल्प जुड़ जाए तो मुझे पक्का विश्वास है कि हम जिन ऊंचाइयों को कृषि क्षेत्र को ले जाना चाहते हैं मत्स्य उद्योग को ले जाना चाहते हैं हम जरूर ले पाएंगे आप बहुत गहराई से चिंतन कीजिए मौलिक विचारों का योगदान दीजिए रोडमैप बनाइए और मुझे पक्का विश्वास है ये वेबिनार एक साल के लिए पूरा रोडमैप तैयार करने में सफल होगा बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद